अस्सलामुअलैकुम, मैं आज आपको इसके डेंजर साइड इफेक्ट्स, बेनिफिट्स और इसके यूजेस बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं, मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देखें साइड इफेक्ट चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो क्लोबिडर्म लोशन है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो क्लोबिडर्सोल प्रोपायोनेट है। ये एक टॉपिकल सॉल्यूशन है और इसके अंदर 0.05% वेट बाय वेट क्लोबिडर्सोल प्रोपायोनेट है। ये 20 ml का लोशन है और जो इसके मैन्युफैक्चरर है वो एटको लेबोरेटरीज हैं। तो चले अब इसके यूजेज और बेनिफिट्स देख लेते हैं। ये जो है ये प्राइमरीली खासतौर ये जो है ये सोरियासिस को ट्रीट करने में यूज हो रहा होता है और भी बहुत सी कंडीशन को ये ट्रीट करता है, वो देख लेते हैं। अभी हम इसके देख रहे हैं इसके लेबल के अंदर, तो ये इसके आगे इंडिकेशन इसमें देखें, ये एक टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड है और ये जो है सोरियासिस को खासतौर ट्रीट करने में यूज़ होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, खासतौर वाइड स्प्रेड ब्लैक सोरियासिस को, इसके अलावा रिकैल्सिट्रेंट एक्जिमास को, लाइकेन प्लैनस को, डिस्कॉइस ल्यूपस एरिथेमेटोसिस और जो दूसरी किस्म की ये जो कंडीशंस हैं कॉज हो जाती हैं उनको ये ट्रीट करने में यूज़ होता है। और ये खासतौर उनको ट्रीट करने में यूज़ हो रहे हैं जो लेस एक्टिव स्टेरॉइड्स होते हैं, जो इससे कम होते हैं। अगर उससे सेटिस्फैक्ट्री जो है वो फ़ायदा नहीं होता तो फिर हम इसको क्लोबिडर्म लोशन को यूज़ करते हैं, जो कि इसके अंदर भी एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। तो अब चलें अब इसके बेनिफिट्स में देख लेते हैं। तो बेनिफिट्स जो है ये सबसे ज़्यादा इसका यही है कि ये बहुत फ़ायदेमंद है और ये बहुत अच्छे से ट्रीट करता है सोरियासिस को और बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली उसको ख़त्म कर देता है और जड़ से ख़त्म कर देता है। तो ये देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा लोशन है, बस इसको आपने ध्यान से अगर इस्तेमाल करें और छोड़ें ना बीच में तो ये बहुत अच्छे से जो है वो काम करता है। तो चलें अब इसके डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। तो ये रहे इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये जो है चूंकि एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है तो ये इसके ज़रा ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो ये कि ये जो है अगर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में यूज़ कर लें तो ये जो है हाइपर कॉर्टिसिज्म कर सकता है और अगर हम इसको और ज़्यादा यूज़ करें तो ये एट्रॉफी कर सकता है स्किन को, यानी हमारी स्किन को डैमेज कर सकता है, खासतौर उसमें पतला कर सकता है, यानी उसको हमारी खाल को स्ट्रिया फॉर्म कर सकता है और हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं यानी खून की शरियाँ हैं उनको भी डायलेट कर सकता है, यानी उन्हें भी थोड़ा डायलेट कर देता है, यानी ढीला कर सकता है। इसके अलावा ये पिगमेंटेशन भी कर सकता है, यानी कि धब्बे भी बढ़ सकते हैं इससे और हाइपर ट्राइकोसिस भी हो सकता है। ये भी एक कंडीशन है, ये भी बहुत ख़तरनाक होती है, ये भी ये कॉज कर सकता है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी कर सकता है जो कि बहुत ख़तरनाक होते हैं और एक्सेसरबेशंस भी हो सकती हैं इसमें, उसके भी सिम्टम्स आ सकते हैं। और अगर देखें तो इससे अगर सोरियासिस के ड्यूरिंग ट्रीटमेंट में या उसकी जो विड्रॉ कर लेते हैं, यही इसका सबसे ख़तरनाक होता है कि जब हम इसको अचानक से बीच में विड्रॉ कर लेते हैं और अच्छे लगा रहे होते हैं और अचानक से बीच में छोड़ देते हैं तो उससे जो है बहुत ज़्यादा पिस्टुलर फॉर्म हो जाती है डिजीज़ की और डिजीज़ की जो कंडीशन है वो भी ख़राब हो जाती है और उससे टॉलरेंस भी हो सकती है। और जो दूसरे जैसे और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं उन्हीं की तरह इसके भी कि इससे टॉलरेंस हो सकती है जो कि बहुत ख़तरनाक होती है और इसके अलावा इससे हमारी जो बॉडी है वो रेजिस्टेंट भी हो जाती है। और इसके प्रिकॉशन और वार्निंग में भी देख लेते हैं जो इसमें आता है। तो ये जो है खासतौर आँख में बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए हमारी आई के अंदर, क्योंकि अगर ये चली गई तो ये हमें ग्लूकोमा कॉज कर सकती है जो कि बहुत ख़तरनाक होता है। ग्लूकोमा ये होता है कि आँखों का जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है जो कि बहुत ख़तरनाक होता है। इसके अलावा क्लोबिडर्म को है वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं यूज़ करना चाहिए खासतौर बच्चों में, क्योंकि ये जो है एड्रिनल सप्रेशन कर देता है जो कि बहुत ख़तरनाक होता है। इसके अलावा ये जो है स्किन के अंदर एट्रोफिक चेंजेस भी कर सकता है अगर बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाए। और इसके अलावा इसको ये भी बोला गया है कि आईलेट्स को भी बहुत ध्यान से इसके ऊपर लगाना चाहिए इस तरह से। और ये जो सोरियासिस वगैरह ये बहुत ज़्यादा जो है वो सुपरविजन में यूज़ करना चाहिए और इसके जो इन्फेक्टेड लीजन्स होते हैं वो खासतौर एंटीबायोटिक थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है अगर इससे कुछ लीजन्स हो जाए तो। ये जो टॉपिकल स्टेरॉइड्स हैं इनको प्रेगनेंसी में नहीं ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, तो ये इसके ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हों, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं कि ये हो सकते हैं, बहुत सी कंडीशन होती है ऐसा हो सकता है कि आपको ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है आपको इनमें से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हों, तो इसलिए आपको इसे बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए। और ये जो यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स लिखे हैं ये तो होते ही होते हैं और बस फ़र्क ये होता है कि अगर आपने इसको ज़्यादा लगाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा फील होंगे और अगर आप इसको ध्यान से यूज़ करेंगे तो ये आपको हल्के फील होंगे और यूँ लगेगा जिससे आपको हो ही नहीं रहे। और बाकी ये अगर वैसे आप इसको
स्टडी करें इसका, तो इसके तो इससे भी ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन ये यहाँ पे चूंकि टॉपिकली यूज़ हुआ है तो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं ये आधे हो गए, वरना इसके और भी बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट्स होते हैं। और अच्छा, आप लोग मुझे बताएं, अगर आप लोग इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग मुझे बताएं कि आपको इससे कुछ साइड इफेक्ट्स हुए या नहीं, और आपका कैसा इसका जो है रिव्यू है, और आपको कैसा फ़ायदा हो रहा है इससे या नहीं, तो आप ये मुझे बताएं। अच्छा, इसकी मजीद डिटेल्स, इसके ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन और इसके मजीद साइड इफेक्ट्स, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के किन चीज़ों में इसको नहीं यूज़ करना चाहिए, और ये कि आपके केस के लिए बेहतर भी है या नहीं, तो इन सब के लिए आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, और इसको बगैर फिजिशियन के कंसल्ट के इसको मत यूज़ करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। इसकी मजीद मेडिसन की डिटेल्स और कोई भी मेडिकल का प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, और बताएं कि आपको ये कैसी लगी वीडियो। अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल रफी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।